दोस्तों ये अजीब विडंबना है कि एक तरफ हम लोग आपको ये खबरें बता रहे हैं कि साउथ इंडस्ट्री की कई सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आने के लिए तैयार हैं और कई सारी फिल्में फ्लोर पर जा चुकी हैं बॉक्स ऑफिस पर आने के लिए, और वहीं पर बॉलीवुड की आने वाली फिल्मों को लेकर हमें आपको ये भी बताना पड़ रहा है कि भैया इस फिल्म का काम जो शुरू होने वाला था वो एक बार फिर से पोस्टपोन्ड हो गया है कोरोना वायरस की वजह से। यानी कि एक तरफ साउथ इंडस्ट्री कोरोना वायरस को पीछे छोड़ते हुए आगे निकलते नजर आ रही है, वहीं पर बॉलीवुड की कई सारी फिल्में अभी भी कोरोना वायरस में उलझी हुई है। तो दोस्तों कौन सी है ये फिल्म जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, चलिए मैं आपको बताता हूं इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लिख रहा हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जी भैया बॉलीवुड के बागी यानी कि टाइगर श्रॉफ की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि हीरो पंती 2 से। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि हाल फिलहाल में ही टाइगर श्रॉफ की आने वाली इस फिल्म यानी कि हीरो पंती 2 की घोषणा की गई थी इस फिल्म के मेकर्स की तरफ से कि भैया बहुत जल्दी ही ये फिल्म फ्लोर पर जाने वाली है और इस फिल्म को एक बार फिर से अहमद खान ही डायरेक्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों हीरो पंती को लेकर यह खबर सामने आ रही है कि भैया इस फिल्म का काम फिर से कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन्ड कर दिया गया, और भाई ऐसा क्यों हुआ है तो इसको लेकर यह बातें सामने आ रही है कि भैया इस फिल्म की शूटिंग 9 कंट्रीज में होने वाली है, यानी कि देश के साथ साथ विदेशों में भी यह फिल्म 9 जगहों पर शूट होगी, और इसी वजह से इस फिल्म का शेड्यूल जो है वो रोक दिया गया क्योंकि अभी भी विश्व से कोरोना वायरस पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है। और भाई इस फिल्म के मेकर्स की तरफ से यह जानकारी दी जा रही है कि जब तक पूरे विश्व में कोरोना वायरस का असर कम नहीं होगा तब तक वो इस फिल्म को फ्लोर पर लेकर नहीं जाएंगे, यानी कि भैया इस फिल्म को 9 देशों में शूट किया जाना है और भैया उस शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं होगा। और दोस्तों अब इस फिल्म को लेकर यह भी जानकारी आ रही है कि भैया जब इस फिल्म का काम अभी पोस्टपोन्ड हुआ है तो उसी के साथ ही भैया इस फिल्म की जो राइटिंग टीम है वो इस फिल्म की कहानी को सुधारने में लग गई है, यानी कि इस फिल्म की कहानी में जो भी छोटी मोटी त्रुटियां हैं उसे सुधार ली जाएगी इस दौरान, और उसके साथ साथ एक्शन का कुछ ऐसा पैक तैयार किया जाएगा कि जब यह फिल्म सिनेमाघर में आए तो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दे। यानी कि अहमद खान अब इस खाली वक्त इस फिल्म के एक्शन को और भी बेहतरीन बनाने के लिए अपने एक्शन टीम के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं इस फिल्म को लेकर यह बातें क्यों कही जा रही है कि इस फिल्म को फ्लोर पर जाने में अभी और भी वक्त लगेगा। वैसे आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, टाइगर की इस फिल्म को जल्द से जल्द फ्लोर पर ले जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि इस फिल्म का इंतजार तो टाइगर के फैंस बहुत ही बेताबी से कर रहे हैं। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वार्निंग जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाएं।